केजरीवाल के बहाने मोदी पर कांग्रेस का तीखा हमला। शकील अहमद ने कहा, क्या आपसे नर्वस हो गए हैं मोदी। गोवा रैली में केजरीवाल का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा, जनता तय करे टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा या फिर नई सोच रखने से। मोदी के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने भी खोला मोर्चा, जयंती नटराजन पर की गई टिप्पणी को लेकर मांगे माफी। दिग्विजय सिंह ने कहा, गुजरात में पर्यावरण नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, मोदी या तो सबूत दें या फिर मांगे माफी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आपने जयंती नटराजन जी पर अगर इस प्रकार का आरोप लगाया है तो प्रमाण दीजिए, अन्यथा माफी मांगिए। मोदी ने जयंती नटराजन को लेकर कहा था, दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में हर फाइल के लिए वसूला जाता था जयंती टैक्स। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती। कानून के फंदे में घिर सकते हैं मुलायम सिंह यादव, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल। दंगा पीड़ितों को सियासी कार्यकर्ता बताने के खिलाफ याचिका, कैंप्स में रहने वालों पर मुलायम ने दिया था बयान। मुलायम के साथ यूपी सरकार के खिलाफ भी अवमानना याचिका दाखिल, कैंप खाली करवाने के खिलाफ दी है अर्जी। याचिका में कैंप से लोगों को हटाने की कही गई है बात, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था सबकी देखभाल का भरोसा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का दावा, अखिलेश सरकार ने कैंप्स में रहने वालों पर दिए गए कोर्ट के आदेश नहीं माने। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का एक और बड़ा कदम जारी किया जा रहा है, नर्सरी दाखिले का हेल्पलाइन नंबर। नर्सरी दाखिले में परेशानी पर अभिभावक 0112735225 पर दर्ज करा सकेंगे शिकायतें। मंगलवार को जारी हुआ था हेल्पलाइन का सर्कुलर। दाखिले के दौरान दिए जाने वाली डोनेशन का टेंशन भी खत्म, केजरीवाल सरकार ने लगाई पाबंदी। नर्सरी के दाखिले के लिए होने वाले टेस्ट पर भी अहम फैसला, किसी तरह के टेस्ट पर रोक। हमारे शिक्षा अधिकारी हर एक एरिया में हैं, कोई भी पेरेंट उनके पास जा सकता है। शिक्षा अधिकारी का फोन नंबर हमने हर प्राइवेट स्कूल के सामने चस्पा करा दिया। अगर वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं अभिभावक कोई पेरेंट्स, तो फिर सीधे मेरी हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। दिल्ली में पानी के गड़बड़ मीटर लगाने पर बड़ा विवाद, केजरीवाल ने पहले इसी मीटर का किया था विरोध। बिजली पानी रैली में केजरीवाल ने दिखाया था डेमो, हवा के दबाव से भी चलने लगा था मीटर। विवादित मीटर को लेकर उठ रहे हैं सवाल, RWA ने जताया विरोध। यूपी पुलिस की जेड सुरक्षा लेने से सीएम केजरीवाल का इनकार, सुरक्षा का घेरा छोड़कर दिल्ली के लिए निकले। केजरीवाल के इनकार के बावजूद कौशाम्बी वाले घर पर जेड कैटेगरी की सुरक्षा, 20 जवान तैनात। यूपी की सीमा के अंदर मुख्यमंत्री के साथ PSO की भी तैनाती, लेकिन केजरीवाल हर बार करते हैं इनकार। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर आज आम आदमी पार्टी में होंगे शामिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे औपचारिक ऐलान। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की पहली रैली में बड़ी तादाद में जुटे लोग, योगेंद्र यादव ने कहा, हरियाणा में जमीन और भर्ती घोटाला होगा बड़ा चुनावी मुद्दा। राहुल गांधी आज केरल में कर रहे हैं 25 किलोमीटर की पदयात्रा, कयनाकुलम से अडूर तक करेंगे पदयात्रा। आज शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, निष्कासित किए गए अमेरिकी राजनयिक पर हो सकता है अहम ऐलान। लुधियाना में पंजाब सरकार के मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ CPM का प्रदर्शन, ड्रग स्कैंडल में नाम आने से विवादों में है मजीठिया। यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व जजेस पर बुधवार को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ इंटर्न की अर्जी को किया मंजूर। आम चुनाव से पहले सरकार का तोहफा, पीएम की बढ़ाई, पीएफ की बढ़ाई ब्याज दरें, अब भविष्य निधि पर 8.75% मिलेगा ब्याज। अपने ही संसदीय क्षेत्र में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ काले झंडे, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अल्पसंख्यक मेघावी छात्र छात्राओं को सोलर लाइट बांटने फर्रुखाबाद आए थे सलमान खुर्शीद, कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। खुर्शीद समर्थकों ने की प्रदर्शनकारियों की पिटाई, पुलिस के किया हवाले। प्रदर्शनकारियों ने खुर्शीद पर लगाया जनता से भेदभाव का आरोप, पूछा सिर्फ अल्पसंख्यकों को तवज्जो क्यों।
हंगामे के बाद बोले खुर्शीद, मेरा कार्यक्रम जिन्हें पसंद नहीं आया उन्होंने किया विरोध, उनके खिलाफ नहीं करूंगा कोई कार्रवाई। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पहली बार अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। गोवा की रैली में इशारों में खुद को केजरीवाल से बड़ा बताया। बगैर केजरीवाल का नाम लिए नरेंद्र मोदी का हल्ला बोल, कहा देश को तय करना है, टेलीविजन पर देखने से देश का भला होगा या फिर देश के लिए नई सोच रखने वाला नेता देश का भला करेगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। गोवा की रैली में बोले मोदी, देश को आगे बढ़ाना है तो नई सोच चाहिए, अनुभव की कसौटी पर कसे हुए लोग चाहिए। मोदी ने इशारों में आम आदमी पार्टी की सादगी के दावे पर भी साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी के पास रहने को अपना घर नहीं। मोदी ने दी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की भी मिसाल, कहा पर्रिकर अगर दिल्ली में होते तो देश को पता चलता कि इतने पढ़े लिखे इंसान में कितनी सादगी है। सादगी, सुचिता और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है। गोवा से मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा बिगड़ी हुई व्यवस्था और बीमारी का नाम है कांग्रेस। मोदी ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर किया हमला, खत्म करना चाहते हैं परिवारवाद। कांग्रेस मुक्त भारत की बात मैं करता हूं तब भारत को उन बीमारियों से मुक्त करना है, उन रोगों से मुक्त करना है। परिवारवाद की बीमारी हो, जातिवाद की बीमारी हो। राहुल के गढ़ में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, जन विश्वास रैली में कुमार विश्वास ने कहा मर जाएंगे लेकिन अमेठी छोड़कर नहीं जाएंगे। कुमार विश्वास ने कहा अब तक राजकुमारों को जनता ने जिताया, अब अपने लिए नौकर चुनने की बारी। इस बार अमेठी निर्णय करे कि राजाओं युवराजों की जगह बटन दबाकर एक नौकर चुने और उस नौकर से कहे जाओ संसद हमारी बात लेकर जाओ हमारी बात। अमेठी से पहुंचने से पहले कुमार विश्वास का हुआ विरोध, काले झंडे दिखाए गए, गाड़ी पर फेंकी गई स्याही। अमेठी की रैली में संजय सिंह और पूर्व संपादक आशुतोष को भी हुए शामिल, संजय सिंह ने कहा 1,00,000 वोट से जीतेंगे कुमार विश्वास। मुंबई से सटे मीरा रोड पे एक परिवार के कब्जे से छुड़ाई गई 11 साल की नौकरानी बच्ची पर मालिक करता था जुल्म। पीड़ित बच्ची को बदायूं से 15,000 रुपए में खरीद कर लाए थे आरोपी, एनजीओ की मदद से बच्ची हुई आजाद लेकिन आरोपी अब तक फरार। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रियल एस्टेट कारोबारी के घर से चोरों ने उड़ाया 2.5 करोड़ का माल, रिश्तेदार की मौत पर शहर के बाहर गई थी महिला कारोबारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथे चढ़े नकली नोट का धंधा करने वाले 3 कारोबारी, पास से सुपर फाइन क्वालिटी के नकली नोट बरामद। पाकिस्तान में छापकर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया गया था नकली नोट, रैकेट के तार, खूंखार आतंकी इकबाल कांडा से जुड़े होने का शक। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में रात के 12 बजे कारोबारी का कत्ल, मंडी गेट पर गोली मारकर फरार हुए बदमाश। मारे गए कारोबारी की पहचान दरियागंज के फैजान मलिक के रूप में हुई है, करीब 10:30 बजे दुकान से घर के लिए निकला था फैजान। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रविवार रात 10:30 बजे के करीब एक शख्स को उसी की गाड़ी में गोली मार दी और ये गोलीबारी की घटना कहीं और नहीं गाजीपुर की मछली मंडी में हुआ है। मंडी गेट पर किसी का इंतजार कर रहे थे फैजान, बाइक सवार 2 बदमाश गोली मार कर हुए फरार, मौके पर हुई मौत। यहाँ पर इंतजार कर रहा था और पीछे से 2 लोग आए और उन्होंने फैजान मलिक से बात करी और उसके जो है खड़ी भी वैगन आर में बैठा हुआ था और उसी के अंदर उसको गोली मार दी। दिल्ली के निजामुद्दीन के पास भोगल इलाके में फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू ऑडी कार, हादसे में ऑडी का ड्राइवर जख्मी। बाल बाल बचे फुटपाथ पर सो रहे लोग, कई बार पलटी खाने के बाद ऑडी सड़क किनारे फुटपाथ पर रुकी।
गुड़गांव में मुख्यमंत्री के रूट से निकलना एक रिक्शे वाले पर पड़ा भारी, पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा। सीएम के काफिले के लिए रोका गया था रास्ता, गलती से एक रिक्शा वाला आ गया अंदर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रिक्शे वाले को ले गए अस्पताल, गुड़गांव पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मुंबई में मेट्रो शुरू होने से पहले ही नाम को लेकर एमएमआरडीए और रिलायंस के बीच अनबन, मुंबई मेट्रो की जगह रिलायंस मेट्रो के नाम वाले बोर्ड पर आपत्ति। मुंबई में हर जगह दिख रहे हैं रिलायंस मेट्रो के बोर्ड, पहले ये मुंबई मेट्रो वन के नाम से चलने वाली। रिलायंस मेट्रो नाम से खुश नहीं है सियासी पार्टियां, आरपीआई ने अंधेरी में रिलायंस मेट्रो के बोर्ड पर पोती स्याही। हमारी स्पष्ट भूमिका है कि नाम मुंबई मेट्रो होना चाहिए, उसमें बदल कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, नीचे वो लिख सकते हैं कि एमएमआरडी रिलायंस ज्वाइंट वेंचर। शिवसेना ने सीएम पृथ्वीराज चौहान को लिखी चिट्ठी, कहा मुंबई मेट्रो के साथ ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिमला से सटे चौरा गांव में सुरंग पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर प्रोजेक्ट बंद करने की धमकी। महीनों से तनख्वाह न मिलने से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से खफा है यहाँ काम करने वाले स्थानीय लोग, प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन का मुआवजा न मिलने से भी गुस्सा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने मांगी सैलरी में देरी की बात, कहा अंदरूनी वजहों से हो रही है तनख्वाह देने में देरी। शीतलहर की चपेट में है हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला आने वाले टूरिस्ट को हो रही है परेशानी। आज है लोहड़ी, वर्ल्ड पंजाबी संगठन ने लोहड़ी के मौके पर किया पार्टी का आयोजन, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद। नौ से 12 हो सकता है सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स का कोटा, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा सरकार कर रही है गंभीरता से विचार। ग्रेटर नोएडा में मीडिया से बोले मोइली, एलपीजी कोटा बढ़ाने को लेकर अब तक राहुल गांधी या पीएम की ओर से नहीं मिली कोई टिप्पणी। डीजल और एलपीजी के दामों में एक मुश्त हो सकती है बढ़ोतरी, मोइली ने दिए संकेत। 3 साल बाद नई हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहा है डीडीए, पुराने फ्लैट को आवंटित करना प्राथमिकता। नई स्कीम के लिए मार्च तक आ जाएंगे फॉर्म, 3-4 महीने में फ्लैट देने का दावा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे और 2 टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम न्यूजीलैंड पहुंची, पहला वनडे 19 जनवरी को नेपियर में। टेस्ट के बाद वनडे में इंग्लैंड की धुलाई, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे ओपनर एरोन फिंच, 28 गेंदों में खेले 121 रन की पारी, वार्नर के साथ 163 रन की सलामी साझेदारी की। दुबई में सीरीज के दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंदा, 3 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 की बढ़त। टेस्ट के आखिरी दिन श्रीलंका को जीत के लिए मिला था 137 रनों का लक्ष्य, महज 1 विकेट खोकर श्रीलंका ने मैच जीता। बंगाल की टीम रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, ईडन गार्डन में क्वार्टर फाइनल में रेलवे को दी 48 रनों से मात। 18 जनवरी से खेले जाने वाले सेमीफाइनल में पंजाब का मुकाबला कर्नाटक से होगा, महाराष्ट्र खेलेगा बंगाल से। मुंबई में सुपरकार रैली 2014 का आयोजन, रैली में दौड़ी फरारी, बेंटले, ऑडी समेत करीब 70 स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियां। उद्योगपति विजयवत सिंघानिया और उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने किया था रैली का आयोजन, देश भर से आए लोगों ने लिया मजा। तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने संबंधी समझौते को दिया गया अंतिम रूप, समझौता 20 जनवरी से होगा लागू। समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों तक जाने देगा ईरान, बदले में ईरान के खिलाफ लगे कुछ प्रतिबंधों में दी जाएगी ढील। यूक्रेन की राजधानी कीव में सैकड़ों लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता न होने से लोग नाराज। सीरिया में फिर तेज हुई लड़ाई, दमिश्क के पास वेस्टर्न घूटा में भारी बमबारी का वीडियो आया सामने। तुर्की की संसद में आपस में भिड़े दोनों पक्ष, न्यायपालिका में सुधार पर चर्चा के दौरान हुआ हंगामा।